दान पुण्य और पतंगबाजी के शौकीनों का पर्व मकर संक्रांति का पर्व सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्व को लेकर तिल से बने व्यंजनों की दुकानों पर रविवार को पूरा दिन लोगों की भारी भीड़ नजर आई। पतंग की दुकानों पर भी बच्चों और युवाओं ने खरीदारी की। मकर संक्रांति के चलते बाजारों में भीड़ उमड़ने से दुकानदारों के चेहरे खिले खिले से नजर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय सहित समूचे जिले में मकर संक्रांति का पर्व सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। हिंदू आस्था से जुड़े इस त्योहार को लेकर तमाम तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। पर्व को मनाने के लिए शहर से लेकर देहात तक लोगों ने शनिवार को बाजार में तिल, चूड़ा, लाई, गुड़ आदि की खरीदारी की। बच्चों ने पतंग आदि खरीद कर घरों में रख लिए। सोमवार को दिन भर आसमान में पखाटे की आवाज गूंजेगी। मकर संक्रांति को लेकर पिछले एक सप्ताह से चल रही तैयारी सबाब पर रही। रविवार को जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े और खरीदारी की, इससे बाजार में भीड़ नजर आई। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने बाड़मेर के स्टेशन रोड, ढाणी बाजार, सिंदरी चौराह सहित अन्य बाजारों में गट्टा पतंगे खरीदारी की। वहीं महिलाओं ने दान पुण्य करने के लिए गुड़ एवं तिल से बने व्यंजनों की जमकर खरीदी की। बाजार में जहां महिलाओं ने दान पुण्य के लिए गुड़ और तिल के व्यंजनों की खरीदारी की, वही युवा पतंग उड़ाने और काटने में लगे नजर आए। पिछले एक सप्ताह से जारी मकर संक्रांति का उत्साह रविवार को पूरे सभा पर रहा और बाजारों में रही अच्छी रौनक।